आज हम बातचीत करने वाले हैं सर, रॉयल्टी कैसे निकाली जाए, नया आदमी रॉयल्टी पे कैसे जाए, कौन से जोन में जाके आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मैं तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत, आभार करता हूं। लास्ट तक इस मीटिंग को जरूर नोट करिएगा। अगर आप ट्रेवलिंग में नहीं है तो अपना वीडियो जरूर ऑन करके रखिए, डायरी पेन लेके बैठिए, एकांत में बैठिएगा। सबसे पहले सर, मैं पूरे इंडियंस को बधाई देना चाहता हूं, सर हिंदुस्तानियों को बधाई देना चाहता हूं। हमने अभी चंद्रयान 3 को चांद पे पहुंचाया है, एक बार ताली बजा लीजिए सर। जो देश से प्यार करता है ना सर, वही इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है। हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया सर। और अभी हमारा मिशन चल रहा है सर, मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी 30 सितंबर से पहले पहले। तो आगे चलते हैं सर, पूरा हिंदुस्तान आपकी कामयाबी का जश्न मनाना चाहता है। कहां मनाना चाहता है? इंदिरा गांधी स्टेडियम में मनाना चाहता है। 27 नवंबर 2023 को सुबह 10 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम का 25,000 लोगों से भरा हुआ हॉल आपके लिए तालियां बजाना चाहता है सर, आपका सम्मान करना चाहता है। 25,000 लोगों के 50,000 हाथ केवल आपके लिए जश्न मनाना चाहते हैं सर। थोड़ा सोचिए, अभी 20 अगस्त को प्रोग्राम था, 6-7 हजार लोग थे, 7,000 लोगों में इतनी वाइब्रेशन थी कि रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो 25,000 लोगों का वो जलवा, वो ऊर्जा, वो माहौल, वो सीटियां सर किसी भी मुर्दा आदमी का जीवन बदल सकता है। और आरसीएम में जितनी भी बड़ी पिनी आई है, राज की बात बता रहा हूं, जितनी भी बड़ी पिनी आई है ना, वो सारी पिने बड़े प्रोग्राम में जाने से आई है। इंसान माहौल की पैदावार है और माहौल ही इंसान को टॉप लेवल पे लेके जाता है। तो 23वीं एनिवर्सरी आने वाली है सर, मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी का टारगेट है। आएगी किसकी सर, क्या लगता है रजत भाई, घर पे बैठा है उसकी आएगी या प्रयास करेगा उसकी आएगी? प्रयास करेगा सर। सर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री किसने बनाया, आपको क्या लग रहा है? सर नरेंद्र मोदी को लाल कृष्ण आडवाणी ने बनाया, सुषमा स्वराज ने? नहीं सर, नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ के बोला, मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक हूं, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो, और पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे चला गया। तो अपने कमेंट में लिखिए, यस मैं रॉयल्टी बनने के लायक हूं, यस मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, यस मैं 23वीं एनिवर्सरी के उस बड़े मंच पे जाने वाला हूं। चिंता मत करिए कैसे होगा, कौन करेगा, क्या करना पड़ेगा, वो जिम्मेवारी मेरे पे छोड़ दीजिए। इस मीटिंग के लास्ट में वो सारी चीज बताऊंगा, केवल इतना लिखिए, यस मैं उस बड़े ऑडिटोरियम के स्टेज पे जाने वाला हूं, मैं उस बड़े ऑडिटोरियम के माहौल में अपने आप को रॉयल्टी अचीवर के रूप में देखना चाहता हूं। चाहत बड़ी होती है सर, कामयाबी बाद में आती है, पहले विचार आता है सर, विचार पहले आएगा, कामयाबी बाद में आएगी। आप चेक कर लेना, शादी से पहले जब किसी का रिश्ता हो जाता है, डेट फाइनल हो जाती है, रजत भाई की 15 मार्च को शादी होने वाली है, 27 नवंबर को शादी होने वाली है, वो बंदा अलग ही टून में घूमता है सर, चेहरे पे अलग ही ग्लो रहता है, बिना बात ही मुस्कुराता। पूछो क्या हो गया, कुछ नहीं यार। अरे बता तो सही क्या हो गया, कुछ नहीं, 27 नवंबर को मेरी शादी है सर। वो शादी से पहले शादी को महसूस करना शुरू कर देता है, और कामयाबी इसी का नतीजा है सर, शादी से पहले शादी को महसूस करिए। तो सर लिखिए, यस मैं डायमंड बनूंगा, यस मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, यस 23वीं एनिवर्सरी में मैं स्टेज पे जाने वाला हूं सर, वही आपको लेके जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी यूएस कोर टीम का सर, जिनके अथक प्रयास, जिनकी लगातार मेहनत, जिनके डेडिकेशन, जिनके एजुकेशन से आज मेरे जैसे आम आदमी को उन्होंने हिंदुस्तान का नेशनल लीडर बनाया, और आज मुझे मौका दिया आप लोगों से बातचीत करने का सर। मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। मात्र 32 दिन हमारे बीच में बचे हैं। खेल हो, राजनीति हो या व्यापार हो, जीतता वो नहीं है जो अर्ली शुरू करता है, जीतता वो है जो अंतिम समय में जोर लगाता है, वो खेल का पासा पलट डालता है सर। और अगले 32 दिन आपके जीवन का पासा पलटने के लिए काफी है सर। आरसीएम बिजनेस में क्यों टॉप पे जा सकता है कोई भी आदमी, ये दूसरे एमएलएम से अलग क्यों है, हमारे पास क्या पावर है जो किसी के पास नहीं है? हमारे पास पावर है सर, नंबर वन, पहली हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी के पास नहीं है सर। 1 रुपए के शैंपू से हमारा काम शुरू होता है सर, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट हमें मिलता है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। किसी कंपनी लाना तो सोचो, दूर की बात है, सोचना ही नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट है सर हमारे पास सर, जो स्वास्थ्य रक्षा करता है, जो रोजगार देता है। मार्केट का सामान खरीदोगे तो ग्राहक बनोगे भाई, आरसीएम का सामान खरीदोगे तो मालिक बनोगे भाई। जिंदगी में ग्राहक बनना चाहिए या मालिक रजत भाई? मालिक सर, मालिक बनना चाहिए भाई, मालिक। आरसीएम का प्रोडक्ट हमें मालिक बनाता है सर, नंबर वन, ये दुनिया में बेस्ट, इसीलिए आरसीएम में मालिक बनाता है। दूसरा सर, हमारा विस्तृत नेटवर्क सर, ऑल ओवर इंडिया में, जहां जहां हिंदुस्तान का तिरंगा है ना, वहां वहां हमारे डिलीवरी पॉइंट है सर। किसी भी कंपनी सोच नहीं सकती वहां हमारे प्रोडक्ट है सर। बड़े बड़े शहरों में हमारे बड़े बड़े मॉल है सर, 4-4, 5-5 मंजिली, जहां करोड़ों रुपए का माल रहता है सर। इसीलिए आरसीएम दुनिया का बेस्ट एमएलएम है सर।
हमारे पास आरसीएम वर्ल्ड है, 17 लाख स्क्वेयर फुट में फैला हुआ आरसीएम वर्ल्ड, हिंदुस्तान के कई जगह पे, कई शहरों में, कई स्टेटों में हमारा प्रोडक्ट बनता है सर। हमारे पास मार्केटिंग यूनिक प्लान है सर, जहां पे 6 महीने सामान खरीदो 7वें महीने सामान फ्री मिलता है। हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो लाइफ टाइम आपका स्वास्थ्य ठीक रखेगा। कितने लोग चाहते हैं सर जिंदगी में आपके घर पे मेडिकल का बिल जीरो हो जाए? अगर मेडिकल का बिल जीरो करना चाहते हो 100% प्रोडक्ट यूज शुरू कर दो सर। अगर चाहते हो लाइफ टाइम जवान रहो सर, 100% प्रोडक्ट यूज करिए। मार्केटिंग प्लान हमारे पास इतना शानदार है सर, किसी कंपनी के पास नहीं है। यूजर, सेलर और लीडर के लिए दमदार मार्केटिंग प्लान है सर। और सर छठी चीज है सर, कोर वैल्यूज पे काम करते हैं। बाकी लोग बोलते हैं महिला सशक्तिकरण, हमारी कंपनी ने की सोल जैसा ब्रांड लॉन्च किया सर, मल्टी लेवल मार्केटिंग के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। प्रियंका मैडम के लिए ताली जोरदार वाली बजाइए, कोर वैल्यूज पे काम करता है सर। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं सर आरसीएम बड़ी इनकम नहीं देता। कंपनी के मालिक से हमने कई बार बात की टीसीजी से कि सर बड़ी इनकम दे दो। टीसीजी कहते हैं तेल के रेट 100 रुपए बढ़ा दो, एक ही महीने में 40 गाड़ियां दे देंगे 1-1 करोड़ की, उससे फायदा क्या होगा भाई? हमारा उद्देश्य चंद लोगों को अमीर बनाना नहीं है, हर घर में इनकम जाए, हर चेहरे पे मुस्कान जाए। ताली बजाइए, आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो कोर वैल्यूज पे काम करता है सर। आतिशबाजी निषेध जिसका लक्ष्य है, महिला सशक्तिकरण जिसका लक्ष्य है, हर घर में इनकम पहुंचाना जिसका लक्ष्य है, मानव मात्र एक दूसरे से प्यार करे ऐसा हमारा कोर वैल्यू सर। जिस तरह से ट्रेडिशनल बिजनेस में टाटा का नाम सम्मान से लिया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सर आरसीएम का नाम लोग सम्मान से लेते हैं सर कि हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है। राइट हैंड को उठाइए और अपने कंधे पे लेके जाइए, गर्व करिए कि मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूं सर। गर्व करिए, ये गर्व करने वाली, मुझे वास्तव में गर्व है सर, दिल के जर्रे जर्रे से बता रहा हूं कि मुझे गर्व है कि मैं आरसीएम जैसे बिजनेस में काम करता हूं सर। और इससे भी पावरफुल चीज पता है क्या है? हमारे पास यूनिक एजुकेशन जैसा सिस्टम है सर, जो हिंदुस्तान के हर कोने में किसी भी आदमी को बड़ी कामयाबी पे ले जाने के लिए काम करता है। आज ये चैनल हिंदुस्तान में इतना पॉपुलर है, हर आदमी को एक उम्मीद है कि मेरी कामयाबी का ये चैनल है सर। जिस तरह से लोग लाइट का कनेक्शन लेते हैं, पानी का कनेक्शन लेते हैं, लोग सर यूएस चैनल का कनेक्शन ले रहे हैं कि यहां से हमारे घर में खुशियां आएगी, यहां से हमारे घर में पैसा आएगा, यहां से हमारे घर में पहचान आएगी सर। तो ये पावर है सर आरसीएम बिजनेस के पास। आज हम नेटवर्क के मामले में 1 है सर, इतनी संख्या किसी भी कंपनी की नहीं है जितनी हमारी है सर। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 1 है, कोई दूर दूर तक हमारे नजदीक नहीं है सर। प्रोडक्ट के मामले में सर इतने बेहतरीन और इतने अलग अलग वैरायटी के, कॉस्मेटिक लीजिए सर, है ना, एफएमसीजी लीजिए सर, है ना, न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट लीजिए सर, आप कौन सा प्रोडक्ट नाम बताइए ना सर, 1 है सर। आज हम डिलीवरी सिस्टम में 1 है सर। आज हमारा ऑफिस सेटअप अगर हम चेक करेंगे 1 है सर। आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया, थोड़ा देखिए ना सर। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हम 1 है सर, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सर। आरसीएम में मुख्य रूप से 5 काम करने होते हैं सर, मेन पॉइंट पे आते हैं सर 5 काम। कोई भी नया आदमी भी जुड़ा हुआ है वो भी नोट कर सकता है सर इन 5 कामों को सर। क्या है आरसीएम सर? 1, पहला, ये बिजनेस प्योरली आपके गोल से चलता है सर। जिसका लक्ष्य नहीं वो उसमें लक्षण भी नहीं आएंगे सर। अच्छा, एक एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं। रजत भाई, आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। एक 30 फीट लंबा फट्टा है, 30 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा है, जमीन पे पड़ा है, आप उस पे चलोगे आराम से सर? यस सर। ओके, उसी फट्टे को मैं 2 बिल्डिंगों के ऊपर रख देता हूँ, 100 मंजिल की 2 बिल्डिंग है, उसके ऊपर रख दिया, उस फट्टे पे चलोगे सर? 10,000 रुपए दूंगा। नो सर, नहीं चलेंगे सर। क्यों? क्योंकि डर लगेगा सर, गिर गया तो। अच्छा, इस बिल्डिंग पे आप खड़े हो, दूसरी बिल्डिंग पे अगर आपकी मम्मी है, आपके पापा है और उस बिल्डिंग में आग लग गई है, अभी चल सकते हो? यस सर। अब कौन सी चीज आपको वहां लेके जा रही है पता है? आपका कारण मजबूत है सर, क्यों कर रहे हो सर, क्यों? एक ट्रेन में आग लग जाए, आदमी 5 मिनट में कूद जाता है, 100 की स्पीड में ट्रेन चल रही है, मैं आपको बोलता हूँ नीचे छलांग लगाओ, आपका सवाल होगा क्यों लगाऊं सर? और मैंने कह दिया इस ट्रेन में आग लग गई, 5 मिनट में विस्फोट होने वाली है, लगाओगे या नहीं लगाओगे भाई? Yes. क्यों? इसका मतलब दुनिया में स्किल, नॉलेज, योग्यता पानी भरती है सर कारण के आगे सर। मैं एक मजबूत कारण आपको जीवन की सारी समस्याओं को पीछे करने पे मजबूत कर सकता है सर। वो कारण पैसा हो सकता है, वो कारण फ्रीडम हो सकता है, वो कारण नेशनल लीडर हो सकता है, मानव सेवा हो सकती है, देश सेवा हो सकती है। तो अपना गोल सेट करिए सर, लक्ष्य बनाइए सर।
लक्ष्य आपके अंदर लक्षण पैदा करता है सर, लक्ष्य आपके अंदर पावर जनरेट करता है सर, लक्ष्य आपके अंदर ऊर्जा जनरेट करता है, लक्ष्य आपको थकने नहीं देगा, लक्ष्य आपको रुकने नहीं देगा। और लक्ष्य भी छोटा मोटा नहीं सर, बर्निंग डिजायर सर, बर्निंग इच्छा रखने वाले 100% लोग हैं, निर्णय लेने वाले 50% लोग हैं, लेकिन जिनको हर हाल में चाहिए ऐसे मात्र दुनिया में 5% लोग है सर। कुछ भी हो जाए, बर्निंग डिजायर सर उसको कहते हैं, जिसके बिना जिंदगी जीना बेकार हो जाए। ऐसा कोई गोल आपको जिंदगी में आगे लेके जाओ, वो रॉयल्टी हो सकता है। रॉयल्टी का मतलब ये नहीं है सर कि केवल रॉयल्टी, रॉयल्टी एक पर्ल भी रॉयल्टी है, एक एमराल्ड भी रॉयल्टी है, एक रूबी भी रॉयल्टी है सर। इस महीने रॉयल्टी के किसी भी लेवल पे आप हो, छोटे से लेके बड़े लेवल पे, वो हर हाल में आप चेंज करना है सर। इसीलिए आज का प्रोग्राम आपके बीच में रखा गया है सर। दूसरा, आरसीएम को ज्वाइन तुरंत करें सर। लाइट का कनेक्शन लेने से लाइट आती है, पानी का कनेक्शन लेने से पानी आता है, आरसीएम का कनेक्शन लेने से आपके घर में करोड़पति बनने का लाइसेंस आता है सर, और वो डेफिनेटली आपको लेवल पे लेके जाएगा सर। तीसरा सर, आरसीएम का सामान खरीदें सर 100% और बेचना सीखें सर। चौथा सर, नेटवर्क बनाएं सर, यानी लोगों को ज्वाइन करवाएं सर, नेटवर्क ही टॉप लेवल पे लेके जाएगा। पांचवा सर, कैसे निकालें नए लोगों की रॉयल्टी, कौन से काम करें ताकि हमारी नए लोगों की रॉयल्टी हम इसी महीने निकाल पाए, कौन से हथियार हमारे पास है, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर लक्ष्य की बात करना चाहूंगा सर। लक्ष्य क्या है सर? आपके जीवन का कोई लक्ष्य बनाइए, ड्रीम बनाइए। आपका लक्ष्य हो सकता है मनी फ्रीडम, अगर आपको किसी शॉप पे जाते वक्त हो, कोई सामान खरीदते हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बार्गेनिंग करना पड़ता है, अगर आप इससे बचना चाहते हो तो ये भी आपका गोल हो सकता है। आपका ये भी गोल हो सकता है कि मेरे को टाइम फ्रीडम चाहिए, मैं मेरे मम्मी पापा के साथ, मैं मेरे बच्चों के साथ, मैं मेरी पत्नी के साथ एक्स्ट्रा टाइम बिताना चाहता हूं, एक लेवल पे काम करने के बाद मैं फ्रीडम हासिल करना चाहता हूं, ये आपका गोल हो सकता है सर। फ्रीडम फ्रॉम जॉब, आप चाहते हो सर मेरी जिंदगी का कोई मालिक दूसरा नहीं हो, मैं खुद मालिक बनूं, नौकरी मुझे नहीं करनी, नौकर नहीं बनना, मुझे मालिक बनना है, तो ये गोल भी आपका हो सकता है आरसीएम में सर। सिक्योर्ड इनकम अगर आपको चाहिए, आप चाहते हो सर आपके जाने के बाद आपकी पत्नी या बच्चों को इनकम के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, तो ये गोल भी आपका हो सकता है सर। आप चाहते हो लाइफ टाइम आप जवान बने रहे, सुंदर बने रहे, स्वस्थ बने रहे, ये गोल भी आपका हो सकता है सर। आप चाहते हो लोग आपको रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें, रिकॉग्निशन करें, ये गोल भी आपका हो सकता है सर। आप चाहते हो ट्रू फ्रेंड बनाए हम लाइफ टाइम के लिए, आप चाहते हो सेलिब्रिटी जैसा आपका स्टेटस हो, आप चाहते हो नेशनल लीडर जैसी आपकी धाक हो, ये गोल भी आपका हो सकता है सर। पीस ऑफ माइंड, जब रात को आप सोते हो तो दिमाग में ये संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं जिंदगी में महान काम कर रहा हूं सर, ये गोल भी आपका हो सकता है सर। आप किसी लोगों की मदद करना चाहते हो, नेशन की मदद करना चाहते हो, चैरिटी का आपका कोई भाव है, तो ये गोल भी आप बना सकते हो आरसी में सर। आप फॉरेन प्रूफ करना चाहते हो, आप चाहते हो मेरे को देश विदेश की यात्रा करनी है, तो ये गोल भी आपका हो सकता है। अभी राजाराम जी नेशनल टूर पे गए हुए हैं सर, फॉरेन टूर पे 25 तारीख को गए हैं सर, अगले महीने की 25 तारीख को आएंगे सर। मेरे को बोल रहे थे महावीर चल रहा है क्या, मैं टोरंटो जा रहा हूं। मैंने कहा नहीं सर, आप टोरंटो जाइए, मेरे को भिलवाड़ा जाना है। 6 महीने लेट बिजनेस शुरू किया था सर, उसका नतीजा ये है सर, आज राजाराम जी पूरे वर्ल्ड घूमने के लिए निकले हैं सर। ये लाइफ स्टाइल आपको दे सकता है, ये गोल भी हो सकता है। आपका खुद का कोई ड्रीम हो सकता है, पत्नी माँ बाप बच्चे का, ये गोल भी आप आरसीएम में बना सकते हो। आरसीएम को ज्वाइन कौन कर सकता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कोई भी गधा नहीं कर सकता सर, इंसान कर सकता है ना। ज्वाइनिंग में आधार कार्ड, बैंक डिटेल, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल, एड्रेस प्रूफ और नॉमिनी डिटेल डालनी है सर। कोई स्पेशल डिमांड नहीं है सर, कोई भी कर सकता है जो दो पैरों पे चलता है। कोई फीस नहीं है ज्वाइनिंग की सर, हर कोई कर सकता है सर। दूसरा काम, तीसरा काम आरसीएम में क्या है, सामान का 100% यूजर बन जाए, यानी डायमंड क्लब रेगुलर करें सर। देखिए कोई बहाना मत बनाए सर, कामयाबी और बहाने दोनों एक साथ कभी नहीं रहेंगे सर, या तो कामयाबी रहेगी या बहाना रहेगा। अगर आप डायमंड क्लब नहीं कर रहे हो ना, तो मुझे माफ करना, घर वालों को धोखा दे रहे हो। लिस्ट बनाएं अपने जानकार लोगों की, और सामान अच्छा लगे तो उनके साथ शेयर करें। अगर आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपसे सामान नहीं ले रहे हैं, तो गलती कंपनी की नहीं है सर, आपकी है सर, बुरा मत मानना। आपका साला आपसे सामान नहीं ले रहा, फिर काहे का साला है भाई, फिर तो साला साला ही है वो। हेलो सर, दोस्त सामान नहीं ले रहा, पड़ोसी नहीं ले रहा, फिर काय का बिजनेस कर रहे हो भाई। डिस्प्ले वाल खोलिए सर, डॉक्टर के पास दवाई होती है सर, सैनिक के पास हथियार होता है सर, है ना। आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हो तो क्या आपके घर पे प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए? रजत भाई बेचने की कला सीखिए सर, हर महीने यूजर और सेलर बनाइए सर, ये काम है हमारा सर। आरसीएम में ग्राहक नहीं बल्कि बिजनेसमैन बनिए, हम बेचने के धंधे में नहीं है सर। मेरी बहुत सारे लोग बुराई भी करते हैं, महावीर सर आप बेचने से मना करते हो, हम बेचने के धंधे में है ही नहीं सर। अगर मुझे कोई कहता मैं 1 लाख का माल बेचता हूं, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है सर। लेकिन मुझे वही व्यक्ति कहता है सर
मैं 20 लोगों से 5,000 का डायमंड क्लब करवाता हूं, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है सर। हम बेचने के बिजनेस में नहीं है, हम बेचने वाले लोगों के नेटवर्क बनाने के बिजनेस में है। इसका मतलब क्या है, हमें बेचना सीखना है सर। कल को हमारी टीम में 5,00,000 लोग आएंगे, उनको कौन सिखाएगा अगर अपन ने नहीं सीखा तो। और सर अगला है सर, आरसीएम में ग्राहक नहीं, हम बिजनेसमैन है। और लास्ट है सर, अपनी पर्सनैलिटी को बिजनेसमैन बनाइए सर। सर बहुत सारे लोग है ना, डॉक्टर ड्रेस में होता है, वकील ड्रेस में होता है, सिपाही ड्रेस में होता है, सैनिक ड्रेस में होता है। तो आरसीएम का करोड़पति कैसा होना चाहिए रजत भाई? ड्रेस में, सूट में, टाई में सर, ड्रेस में सर, 24 आवर ड्रेस में रहिए ना। अच्छा, कोट पैंट पहनने से पत्नी ज्यादा प्यार करेगी सर, हेलो, बच्चे ज्यादा प्यार करेंगे, अपलाइन ज्यादा भरोसा करेगी, डाउनलाइन ज्यादा। बहुत सारे लोग कहते हैं महावीर सर पहले पैसा आ जाए बाद में कोट पैंट बनाएंगे, और पैसा गेट के बाहर खड़ा है, वो क्या बोल रहा है पता है, पहले तू कपड़े बदल फिर घर में आऊंगा। इसीलिए सर ड्रेस कोड में आ जाइए। तीसरा और चौथा काम बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, नेटवर्क बनाइए, नए लोगों को ज्वाइन करवाइए। अगर मुझसे कोई एक लाइन में पूछे कि नेटवर्किंग का बीज किसे कहते हैं, तो नेटवर्किंग का बीज है नई ज्वाइनिंग सर। अगर आप वास्तव में रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हो, आप चाहते हो रिकॉर्ड तोड़ना, तो आपके पास 4 कैटेगरी के लोग हैं सर। एक आपके रिश्तेदार है, दूसरे आपके परिवार के लोग हैं, तीसरे आपके दोस्त हैं, और चौथे अनजान लोग हैं जो ट्रेवलिंग में आपको मिलते हैं। इन 4 लोगों में आप अपना नेटवर्क बनाइए। दोबारा बता रहा हूं, नेटवर्किंग का बीज है सर। एक टमाटर में कितने बीज होते हैं काउंट किए जा सकते हैं रजत भाई, पर एक बीज से कितने टमाटर बनेंगे ये अनकाउंटेबल है सर। तो आप जो ज्वाइनिंग करवा रहे हो ना, वो एक ज्वाइनिंग आपको कितना बिजनेस देगी कोई काउंट ही नहीं है उसका सर। अच्छा, सुरेंद्र वत्सा भी एक बीज है सर, किसी ने ज्वाइन करवाया होगा सर। Yes, sir. राजाराम सारण भी एक बीज था सर, किसी ने एक बंदे को ज्वाइन करवाया था। रवि शर्मा भी एक बीज है, 100 करोड़ का टर्नओवर जनरेट करता है। तो आपके नीचे भी जिसको ज्वाइन करवा रहे हो ना, उस बंदे में 80 संभावनाएं हैं डायमंड बनने की, राजाराम सारण बनने की, सुरेंद्र वत्स बनने की, मुकेश कोठारी जी बनने की, बीसी छाबड़ा जी बनने की। तो आप ज्वाइनिंग को फोकस करिए सर, नेटवर्क का बीज है ज्वाइनिंग सर। अगर आप रॉयल्टी अचीव बनना चाहते हो तो 2 तरह की रॉयल्टी आरसीएम में आती है सर, एक वन टाइम है और एक लाइफ टाइम। लाइफ टाइम कैसे आई, जब बीज लगाओगे सर। इसीलिए बीज पे फोकस करिए सर, बीज आपको कामयाबी पे लेके जाएंगे, आपका नेटवर्क ही आपको अमीर बनाएगा। रोजाना ज्वाइनिंग करवाइए, जो अमीर बनेगा उसका कारण केवल और केवल आपका नेटवर्क है सर। अखबार वालों का नेटवर्क है, दारू वालों का, दवाई वालों का, मोबाइल वालों का, कार वालों का, चप्पल वालों का, टाटा का नेटवर्क बना रहा है, बाटा नेटवर्क बना रहा है, रिलायंस नेटवर्क बना रहा है। तो अपने को अगर अमीर ही चाहिए तो क्या बनाना है भाई, नेटवर्क बनाइए सर। रॉयल्टी परमानेंट चाहिए, नेटवर्क बनाइए। मैं आगे बताऊंगा आपको नया आदमी को कौन सा काम करे ताकि वो अपने नेटवर्क में इसी महीने चला जाए सर। नेटवर्क बनाइए सर, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ज्वाइनिंग खुद करवाएं और ज्वाइनिंग करवाने वाले लोगों को प्रमोट करें सर। हम गलती पता है क्या करते हैं, जो ज्वाइनिंग करवा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हर लीडरशिप अचीवर, हर रॉयल्टी अचीवर, हर टेक्निकल अचीवर को 7 दिनों में जितने नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनके साथ जूम मीटिंग करो, फिजिकल मीटिंग करो, काउंसलिंग करो। वहां पे कोई सुरेंद्र वत्स आपका इंतजार कर रहा है, वहां पे कोई राजाराम सारना आपका इंतजार कर रहा है, वहां पे कोई महावीर सारना आपका इंतजार कर रहा है। आपकी टीम ने उस बंदे को आपकी टीम में ले आया, लेकिन आपका फोकस उस पे जाएगा तभी वो बंदा आपका बीज का काम करेगा सर। हमारा बिजनेस है भीड़ का सर, भीड़ बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा सर। इसीलिए सर नेटवर्क को फोकस करिए सर, ज्वाइनिंग को फोकस करिए, यह आपको टॉप लेवल पे लेके जाएगा, यह आपकी कामयाबी का माध्यम बनेगा। अब सर, बिना सीखे हुए साइकिल चल सकती है रजत भाई? नो सर। बिना सीखे हुए चाय बन सकती है? नो। तो आप कैसे सोच सकते हो सर बिना सीखे हुए जीवन बदलेगा सर? लर्निंग करनी पड़ेगी सर, सीखना शुरू करना पड़ेगा सर, सिस्टम में शामिल होना पड़ेगा सर। कौन कौन सी चीजों को अपने को सीखना है, डायरी पेन लेके जरूर नोट करिए सर, यहां से आपकी रॉयल्टी की यात्रा शुरू हो जाएगी सर, है ना। प्लान देना सीखना है सर, किससे सीखना है, अपनी अपलाइन का नॉलेज यूज करिए, अपना दिमाग मत लगाइए। प्लान बताना नहीं है, दिखाना है सर। और ये कौन सिखाएगा, वो व्यक्ति सिखाएगा जिसकी ज्वाइनिंग ज्यादा आ रही है, वो व्यक्ति सिखाएगा जिसकी पिन बड़ी है, वो व्यक्ति सिखाएगा जिसने ज्वाइनिंग को पहाड़ खड़ा किया है। तो ये सीखना है सर पहला काम। दूसरी चीज क्या सीखनी है, बिजनेसमैन की तरह व्यवहार करना सीखना है। आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका बातचीत करना, आपका कपड़ा, ये बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए सर। शिष्य के सामने खड़े होकर इस मीटिंग के बाद में अपने आप को देखना और एक सवाल करना ईमानदारी से सर। जो अमीर बनना चाहते हैं वो एक बार यस लिखिए सर नीचे, जूम पे जितने भी जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे जितने भी जुड़े हुए हैं, वो यस लिखिए। अगर अमीर बनना चाहते हैं तो सर शिष्य के सामने खड़े होके अपने आप से एक सवाल करना है, क्या मैं बिजनेसमैन की तरह लगता हूं, क्या मैं बिजनेसमैन की तरह दिखता हूं,
क्या मेरे अंदर कोई बदलाव करने की आवश्यकता है, उसको चेक करिए सर, वो आपकी कामयाबी का कारण बनेगा सर। तीसरा पॉइंट सर, बिजनेसमैन बैग तैयार करिए सर टूल के साथ सर। डॉक्टर के पास अपना एक बिजनेस किट होता है सर, होता है रजत भाई? यस सर। डॉक्टर के पास होता है, सैनिक के पास होता है, इंजीनियर के पास होता है, वकील के पास अपना बैग होता है। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हो ना, तो एक बिजनेस क्लास बैग तैयार करिए सर, उसके अंदर टूल्स रखिए, उसके अंदर प्रोडक्ट रखिए सर। ये आपकी यात्रा को आसान कर देगा सर, ये आपकी यात्रा को टॉप लेवल पे लेके जाएगा सर। लुक लाइक ए बिजनेसमैन, देन यू बिकम ए बिजनेसमैन सर। लुक लाइक करिए सर, है ना। तीसरा पॉइंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट सर। चौथा पॉइंट है प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, कौन सा प्रोडक्ट हमें किनको देना है। पांचवा प्रोडक्ट है टारगेट बना के काम करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। लक्ष्य नहीं होता जिसका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं सर। गोल तो बनाइए, लक्ष्य तो बनाइए, कंपनी का जो गोल है उसको ध्यान में रखिए, ब्रांड पार्टनर के जो टारगेट है उसको ध्यान में रखिए, अपलाइन द्वारा दिया गया जो टारगेट है, इन तीनों का कंबाइन रूप बनाइए, तब आप टॉप लेवल पे जाएंगे सर, तब आपको लोग नेशनल लीडर मानेंगे। और हमारे पास चार लोग हैं सर जिनसे हमें बात करनी होती है, जिनसे हमें रिलेशन बना के रखना होता है, जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। पहली चीज है सर कंपनी, दूसरी चीज है सर आपकी लाइफ लाइन, तीसरी चीज है सर आपकी अपलाइन, और चौथी चीज है सर आपकी क्रॉस लाइन। इन चारों के साथ आपका रिलेशन कैसा है, ये आपकी कामयाबी को प्रभावित करता है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं रजत सर मेरी अपलाइन से नहीं बनती, कुछ लोग कहते हैं मेरी डाउनलाइन से नहीं बनती। जिस पाइपलाइन से पैसा आना है उसको डिस्टर्ब कर दिया तो अमीर कैसे बनोगे भाई। जिस अपलाइन से प्यार मिलना है, एजुकेशन मिलनी है, अपलाइन के साथ रिलेशन होना चाहिए मां जैसा, और डाउनलाइन के साथ रिलेशन होना चाहिए पाइपलाइन जैसा, कभी ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। गलती है तो माफी मांग लो, सामने वाले की गलती है तो माफ कर दो। माफी मांगने वाला, माफ करने वाला महान होता है, और माफी मांगने वाला भगवान होता है सर। इसलिए सर जीवन में कभी भी लफड़े नहीं चाहिए, अटकन झटकन पटकन नहीं चाहिए, ब्लॉकेज नहीं चाहिए, ना कंपनी के साथ, ना क्रॉस लाइन के साथ, ना अपलाइन के साथ, ना डाउनलाइन के साथ। आज ये वादा करिए कि मैं मेरी कामयाबी के लिए इन सबके साथ रिलेशन मजबूत करूंगा, यही कामयाबी का आधार बनेगा, यही टॉप लेवल पे जाने का माध्यम बनेगा, यही आपको ऊंचाइयां प्रदान करेगा, यही आपको रोल मॉडल बनाएगा। और इसमें आपकी मदद कौन करेगा पता है? इसमें आपकी मदद करेगा सर सिक्स बेसिक। बिजनेस को बिल्ड करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सिक्स बेसिक, छह काम रोज करना शुरू कर दीजिए। आज कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आज कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है, अगले छह महीने सिक्स बेसिक पे काम करना स्टार्ट कर दे, वो रॉयल्टियों की लाइन लगा सकता है सर, वो कितनी भी रॉयल्टियां निकाल सकता है, अपनी बहुत सारी अपलाइनों को क्रॉस कर सकता है। बिजनेस बिल्ड करना सिक्स बेसिक, नेशनल लीडर बनना है, ग्रोथ में बिजनेस लाना है, एट कोर स्टेप, और सर बिजनेस को मेंटेन करना है सेवन कार्डिनल। सात काम कभी नहीं करने, छह काम रोज करने हैं, और आठ काम एक लीडर करता है। अपने आप को चेक करिए सर, ये काम कर रहे हैं क्या। और दसवां लास्ट पॉइंट जिसको अपने को सीखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए सर। जिम्मेवार लोगों के पास ही कामयाबी अपना परचम लेके आती है, जिम्मेवार लोगों के गले में कामयाबी अपनी वरमाला डालती है। रिस्पॉन्सिबल बनिए, रिकॉर्ड रखना शुरू करिए। जो नोट बनाता है वही नोट कमाता है, दोबारा बता रहा हूं, जो नोट बनाता है वही नोट कमाता है सर। डायरी मेंटेन करिए। मैं आज की मीटिंग ले रहा हूं ना, इसकी नोट बनाए हैं भाई, ऐसे नहीं ले रहा हूं भाई, हवा में बात नहीं कर रहा हूं भाई, मुझे पता है ये काम करने से आपका लेवल आएगा। नोट किन किन चीजों के बनाने हैं, आपके डायमंड क्लब कितने हो रहे हैं, आपकी डिस्प्ले वाल कितनी चल रही है, आपकी नई ज्वाइनिंग कितनी आ रही है, आपके पीयूसी आप वंडरवर्ल्ड कितने चल रहे हैं, नए स्टेशन कितने खोल रहे हैं, कितने नए पिन अचीवर है वाइटल एंड अबो, जिन पे आप अभी काम करके, अभी इसी महीने काम करके उनको रॉयल्टी में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? जब आपके पास डाटा होंगे, जब आपने नोट बनाया होगा। एक पान वाला छोटा सा खोखा चलाता है, नोट बनाता है, तो अपने को भी नोट बनाना चाहिए सर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं सर। आवाज आ रही है मेरी ठीक से रजत भाई? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। रॉयल्टी पे जाना क्यों है? अब मेन इंपॉर्टेंट बात यह है सर, क्यों जाना है रॉयल्टी पे सर? रॉयल्टी पे इसीलिए जाना है कि यहीं से आपकी पहचान बनेगी सर। कंपनी लेवल पे है ना सर, आपको रॉयल कब माना जाएगा? जब आप रॉयल्टी अचीवर बन जाते हो, ये आपकी पहचान का दायरा है। पहले तो भीड़ है सर, 97% लोग भीड़ का हिस्सा है सर। रॉयल्टी पे आते ही आप 3% में शामिल हो गए, यहीं से आपकी पहचान बननी है सर। यहीं पे जाने के बाद आज सीएम में आप भीड़ से अलग हो जाएंगे सर। रॉयल्टी पे इसीलिए भी जाना है कि यहीं पे आने के बाद आप सेना से निकल के क्या बन जाओगे? सेनापति बन जाओगे सर। आपका एक रुतबा होगा सर, आप कमांडर बन जाओगे सर। आपके नीचे एक टीम होगी जो आपकी तरफ देखेगी कि बताइए सर क्या करना है।
यहीं से कंपनी रिकॉर्ड में आप रॉयल व्यक्ति हो जाएंगे सर, यहीं से आपकी अपलाइन आपको टारगेट में शामिल करेगी सर। जब भी कोई बड़ा अचीवर टारगेट बनाता है वो प्लानिंग कहां से करता है पता है? रॉयल्टी अचीवर से करता है सर। तो आप अपनी अपलाइन के फोकस में आना चाहते हो तो रॉयल्टी पे फोकस करिए, यहीं से आप पर आपकी अपलाइन और लाइफ लाइन का फोकस आएगा सर, इसीलिए रॉयल्टी बनना बहुत जरूरी है सर। यहीं से आपका विकास होना शुरू होगा सर। मेरे को अच्छी तरह याद है सर, मैं और सतीश पंडित जी एक महीने रॉयल्टी पे आए थे सर। बीसी छाबड़ा जी ने कहा था जयपुर में महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में मीटिंग थी कि 50 लोगों को लेके आ जाओ तुम्हारी रॉयल्टी आ जाएगी, और मैं सहारनपुर से एक बस भर के लाया था 50 लोगों को सर, और 450-450 लोग थे सर। मैं 2% रॉयल्टी पे आया था, 400 लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाई सर, 400 लोग मेरे लिए खड़े हुए सर। एक साधारण से गांव का लड़का जब भीड़ में से निकल के स्टेज पे गया और मेरे गले में फूल मालाएं डाली गई, मुझे 20 रुपए की लकड़ी की एक ट्रॉफी दी गई, उन 400 लोगों की तालियां, उन 400 लोगों की एक्साइटमेंट, उन 400 लोगों ने मेरे प्रति जो सम्मान और भरोसा दिलाया, एक गांव के लड़के को नेशनल लीडर का बीज उस दिन पड़ गया सर। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, जिस दिन आप रॉयल्टी अचीवर बनते हो, आपकी अपलाइन आपके गले में माला डालती है, चंद लोग आपके लिए ताली बजाते हैं, उसी दिन आपके भीतर एक बड़ी कामयाबी का बीज तैयार हो जाता है। तो ये पहला लेवल है सर जो आपको भरोसा देता है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो। इसी लेवल पे आने के बाद आपको स्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा सर, यही वो लेवल है जहां से स्टेज शुरू होता है सर। यहीं से लोग आपको सुनना शुरू करेंगे, आपकी बात की वैल्यू बनेगी सर, यहीं से आपकी पहचान बनेगी कि आप कुछ अलग कर रहे हो सर। सारी पिनों का रास्ता कहां से शुरू होता है? पहली स्टेप क्या है? रॉयल्टी सर, रॉयल्टी सर। सारी पिने चाहे वो पर्ल हो, स्टार पर्ल हो, एमराल्ड हो, स्टार एमराल्ड हो, रूबी, स्टार रूबी, डायमंड, सारी पिनों का जन्म और बीज क्या है? नेटवर्किंग का बीज है नई ज्वाइनिंग, और लीडरशिप का बीज है सर रॉयल्टी। लिख लो डायरी में सर, लीडरशिप का बीज क्या है? रॉयल्टी है सर। अगर आप चाहते हो खुद लीडर बने और आपकी टीम में लीडर डेवलप हो, तो आज आप अपने बीज को बो दीजिए कि मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। रॉयल्टी अचीवर बनते ही आपका बीज तैयार हो जाएगा सर, आपकी पौध तैयार हो जाएगी, आपके नीचे का नया लेवल तैयार हो जाएगा सर। ये बीज है एक लीडरशिप का सर। अब रॉयल्टी पे कौन तेजी से जाएगा सर? ये दो तरह से लोग काम कर रहे हैं आरसीएम में, रजत भाई ध्यान से देखना, ये दो तीर हैं जो जा रहे हैं। दोनों तीरों में से तेजी से रॉयल्टी पे कौन सा तीर जाएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला सर? ऊपर वाला सर। ऊपर वाला क्यों जाएगा सर? क्योंकि सर उसमें डायरेक्शन एक ही दिशा में लग रही है, सारी ऊर्जा एक तरफ जा रही है सर, सारी अपलाइनें, सारी कंपनी, सारे पीयूसी वाले, सारे डिस्ट्रीब्यूटर, सारे नेशनल लीडर, सारे रॉयल्टी टेक्निकल, सारे एक ही तरफ जा रहे हैं। किस पे? रॉयल्टी, रॉयल्टी, रॉयल्टी। अच्छा, जोर हमेशा पानी की बहाव के साथ लगाना चाहिए या विपरीत लगाना चाहिए सर? बहाव के साथ सर। बहाव के साथ लगाना चाहिए सर। पत्थर कितना भी नुकीला हो सर, उसको किनारे पे डाल दो नदी के, कोई बदलाव नहीं आएगा। उसको उठा के नदी के बीच में डाल दो, उसको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, पानी अपने आप गोल कर देगा सर। अभी मौका है, अभी अवसर है, अभी माहौल है, अभी पूरी ऊर्जा, ये सारे लोग केवल एक ही चीज को फोकस कर रहे हैं। किसको सर? रॉयल्टी को सर। अच्छा, आपकी अप्लाइन के पास तो हजारों लोगों की चॉइस है सर, आप उनकी नजर में कैसे हो? आप उनको इस मीटिंग के खत्म होने के बाद कॉल करिए, मैसेज करिए कि सर मेरे को रॉयल्टी पे आना है, बताइए मैं क्या करूं सर। अच्छा, इसमें आप मदद लीजिए, आपकी सारी अप्लाइनों की आप मदद लीजिए, ऊपर से ऊपर लोगों की आप जूम मीटिंग करवाइए, आप काउंसिलिंग करवाइए, आप फोन कॉल करिए। लेकिन पहले, सबसे पहले काम पता है क्या करना है? अपलाइन के फोकस में आ जाइए, अपलाइन को बोलिए सर मैं रॉयल्टी पे आना चाहता हूं। चाहत आपको आगे लेके जाएगी सर, चाहत। आप बताइए तो सही करना क्या चाहते हो? जिस लड़की को आप आई लव यू बोलते नहीं हो, चाहते रहते हो, आवाज नहीं निकालते हो, बाद में फिर उस लड़की के आप मामा बन जाते हो उनके बच्चों के सर, और आप आई लव यू टाइम से बोल देते हो तो हो सकता है उसके बच्चों के बाप बन जाए सर। तो अभी आई लव यू बोलने का टाइम है, अभी मैं रॉयल्टी बनना चाहता हूं ये बोलने का वक्त है सर। और रॉयल्टी किसको कहते हैं? कितना बिजनेस चाहिए रॉयल्टी के लिए? ध्यान से सुनना सर, ये रॉयल्टी की नींव रखेगा सर। रॉयल्टी पे जाने के लिए बिजनेस चाहिए सर 4,65,000 का मिनिमम, पहला लेवल जो आता है। पहला लेवल 1 लाख में 3.5 लाख बिजनेस, दूसरी लेख में 1,15,000 बिजनेस, ये रॉयल्टी का एकदम मिनिमम लेवल है, यहां से शुरू होता है। और कोई भी आदमी इस लेवल पे इसी महीने जा सकता है, आज ज्वाइन करके जा सकता है। कैसे? अपने टारगेट में 100 का भाग दे दो और जितना पीवी आए वहां तक अपनी पहुंच बढ़ा दो सर। सीधा फार्मूला है, 4,65,000 करना है, 100 का भाग दो सर, 4,650 यानी 5,000 का बिजनेस होता है। आप डायरी पेन लेके आज से प्लानिंग करना शुरू कर दो, जहां से 5,000 का बिजनेस आ रहा है वहां मीटिंग करना चालू करो, उस बिजनेस को 100 गुना करना चालू कर दो।
आपका सर रोल्टी आ जाएगा। पुराने जमाने में राक्षस की जान तोते में होती थी सर, तोते को मार देते थे ना तो राक्षस मर जाता था। नेटवर्किंग की जान किस में है पता है? डेफ्थ में है सर, डेफ्थ में। एकदम नीचे जाइए, एकदम नीचे, जहां 4650 का बिजनेस आ रहा है वहां से शुरू करिए। अगर आज आप शुरू कर रहे हो तो क्या करना है, कल सुबह मॉर्निंग में अपना डायमंड क्लब करके स्टार्ट हो जाइए सर। सिंपल फार्मूला है, अपना डायमंड क्लब करके स्टार्ट हो जाइए सर। शेर के यहां बच्चा पैदा होता है वो शेर होता है सर, जिराफ के यहां बच्चा पैदा होता है वो जिराफ होता है सर। हेलो, कुत्ते के यहां बच्चा पैदा होता है कुत्ता होता है सर। हेलो, चिड़िया के यहां बच्चा पैदा होता है चिड़िया होती है सर। तो डायमंड के यहां बच्चा पैदा होगा कैसा होगा रजत भाई? डायमंड सर, डायमंड सर, सिंपल फार्मूला है सर, डायमंड। इन लेवलों को फोकस करिए सर। आप अगर तेजी से जाना चाहते हो, आप अगर छोटे लेवल से शुरू कर रहे हो कि सर मेरी तो जानकारी बहुत है मैं तो ज्वाइनिंग से करूंगा, तो कितनी ज्वाइनिंग चाहिए? 465 लोगों की ज्वाइनिंग चाहिए 1000 पीवी करने वाला। डायरी में लिखिए 465 लोगों को ज्वाइन करवाना है 1000 पीवी करने वाला, और कल से लिस्ट बना के शुरू हो जाइए। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। अगर आप 1000 से नहीं कर रहे हो, 2000 करवाना चाह रहे हो तो 240 लोग चाहिए सर। और अगर कल खुद डायमंड क्लब करके चालू कर रहे हो तो कितने लोग चाहिए? 94 लोग चाहिए सर। रजत भाई, यस सर, 94 लोग चाहिए सर रॉयल्टी आने के लिए। इसी महीने रॉयल्टी आएगी, इसी महीने रॉयल्टी आने का फायदा पता है क्या है? अपलाइन की नजर में आ जाओगे सर, कंपनी की नजर में आ जाओगे सर, एनिवर्सरी में 25,000 लोगों की नजर में आ जाओगे सर। की सोल के प्रोग्राम स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा, सम्मान प्राप्त करने का मौका मिलेगा, फोटो सेशन में हिस्सा हो जाएगा, सारी अपलाइनों का फोकस आएगा सर। और तीन तरीके हैं सर, ज्वाइनिंग करना, सेलिंग करना, रिटेलिंग करना। कितना भी किया जा सकता है सर। अगर आप खुद डायमंड से शुरू करोगे तो डायमंड वाले बच्चे पैदा हो जाएंगे सर। 93 लोग चाहिए सर, 94 लोग टोटल करिए, रॉयल्टी अचीव बन जाइए सर, स्टेज आपका है सर। रिटेलिंग से करना चाहते हो तो लाख लाख, दो दो लाख, पांच पांच लाख की लोग रिटेलिंग भी करते हैं, खरीदारी भी करते हैं, उससे भी कर सकते हो। बहुत आसान है सर, कोई भी कर सकता है। हाँ, चाहत चाहिए सर, सर लैला मजनू जैसी चाहत चाहिए सर, चाहत चाहिए सर, हीर रांझा जैसी चाहत चाहिए सर, वो डेडिकेशन चाहिए सर, वो एकाग्रता चाहिए, वो बर्निंग डिजायर चाहिए। एक बार किसी सुकरात ने, सुकरात से शिष्य ने पूछा, सर बड़ी कामयाबी पे जाना है क्या करना पड़ेगा? सुकरात ने कहा सुबह 4 बजे आ जाना। बच्चे को लेकर नदी के किनारे चले गए, धीरे धीरे पानी के अंदर जाते गए, पानी का लेवल बढ़ता गया। जैसे यहां तक पानी आया, सुकरात ने बच्चे को पकड़ा, पानी में डुबो दिया, बच्चा छटपटा रहा है। सुकरात को लगा अभी ये मरने वाला है, तुरंत बाहर निकाला। बाहर निकलते बच्चे ने लंबी सांस ली। गुरु ने पूछा, बेटा जब तुम छटपटा रहे थे तुझे किस चीज की आवश्यकता थी? तो उसने कहा, गुरुजी मुझे केवल एक सांस की आवश्यकता थी। बस गुरु ने कहा, जो छटपटाहट तेरी सांस के लिए थी ना, वो छटपटाहट जिस दिन आप में रॉयल्टी के लिए आ जाएगी, पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात, पूरा सिस्टम रॉयल्टी प्लेट में रख के आपके लिए लाएगा सर। वो छटपटाहट चाहिए, वो ऊर्जा चाहिए, वो पावर चाहिए, वो इंथुजियाज्म चाहिए, वो जिद चाहिए, वो पागलपन चाहिए। प्रकृति मदद करती है सर। दारू वाले को दारू वाला मिलता है, जर्दे वाले को जर्दे वाला मिलता है, आतंकवादी को आतंकवादी मिलता है, आतंकघाती को आतंकघाती मिलता है। तो सर आपको कामयाब आदमी क्यों नहीं मिलेगा भाई? पहले आप बनिए तो सही सर, पहले आप उस तरह की क्वालिटी तो डिजायर करिए सर। अपने आप को चेक करिए सर, ये सेल्फ चेक का एक फार्मूला है सर। सर अपने आप को चेक करना, आप कैसे लीडर हैं, 1 से 10 तक अपने आप को मार्क देना है सर। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद अपने आप से पूछना है, मैं कैसा लीडर हूं यार, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या पूछना है, आपका रोजाना शेड्यूल क्या रहता है। तीसरा सवाल पूछना है, आप कितने घंटे काम कर रहे हैं। चौथा सवाल पूछना है, आप गति कर रहे हैं या प्रगति कर रहे हैं। घड़ी का पेंडुलम होता है ना, हिलता है, पहुंचता कहीं नहीं, गति करता है। कामयाबी प्रगति मांगती है। 4 सवाल अपने आप से पूछना, फिर 5वां सवाल अपने आप से पूछना, क्या क्या आप अपने जैसा लीडर अपनी टीम में चाहते हैं। हेलो, क्या आप चाहते हो आप जैसा बंदा हो जाए? अगर आप एक्टिव हैं तो वो एक्टिव होगा, अगर आप गोलीबाज हैं तो वो गोलीबाज होगा, आप प्लान देते हो तो वो प्लान देता है। क्या आप अपने जैसे लोग चाहते हैं? अगर जवाब निकले यस, तो सर तलाश शुरू कर दो। और अगर आपको लगता है नहीं मेरे अंदर कुछ बदलाव करना है, आप अपने टारगेट के हिसाब से काम कर रहे हो क्या, चेक तो करो। रॉयल्टी पे टीम को लेके जाना चाहते हो क्या, उस तरह की मेहनत कर रहे हो क्या, क्या उस तरह की प्लानिंग चल रही है क्या, क्या लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं क्या। अगर नहीं चाहते तो जिन कामों को बदलना है सर, कल मत बदलिए सर। आज इस मीटिंग को खत्म होते ही डायरी पेन लेके लिखिए कि मेरे को इन इन चीजों को बदलना है। वो आपका ड्रेस कोड हो सकता है, वो आपकी वर्किंग हो सकती है, वो आपका डायमंड क्लब हो सकता है, वो आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। जैसा आप हैं वैसे लोग बनेंगे। टमाटर से टमाटर, आम से आम,
नींबू से नींबू। हेलो रजत भाई, यस सर। क्या आप रोजाना बिजनेस को ग्रोथ में लेके जा रहे हो? चेक करिए खरीदना बेचना जोड़ना कैसे चल रहा है आपका सर। क्या आप अपनी टीम में लीडर डेवलप हो रहे हैं आपकी टीम में? अगर नहीं हो रहे तो चेक करिए कहां गलती हो रही है सर। हर महीने कितने स्टेशन आप खोल रहे हो? टीम को भूल जाओ सर, अपलाइन डाउनलाइन को भूल जाओ, अपने को चेक करो अपने को सर। मेरी कितनी मीटिंग हो रही है, मैं कितने स्टेशन खोल रहा हूं, मैं जिन पीयूसीओं को खुलाया क्या उनकी सेल बढ़ रही है, क्या मैंने जिनको ज्वाइनिंग करवाया उनमें कोई रॉयल्टी अचीवर बन रहा है, उनमें कोई टेक्निकल पे जा रहा है? ये पेज अपने आप को चेक करिए सर। लोग आपको कॉपी करेंगे, आप जैसे बनेंगे सर। जिस तरह से शेर के घर में शेर पैदा होता है, वैसे ही चूहे के घर में चूहा पैदा होता है, लीडर के घर में लीडर पैदा होता है। आप अपने आप को सेल्फ चेक करिए, कितने घंटे काम कर रहे हो। और अगर आपको लगता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नौकरी करता हूं, मैं व्यापार करता हूं, मेरे पास टाइम कम है, आपके पास बहुत समय है सर, इसको चेक कर लीजिए सर। एक 7 दिनों में कितना टाइम आपके पास है चेक करिए। लर्निंग करने वाला ऊपर जाता है और ब्लेम करने वाला नीचे जाता है सर, इसीलिए ब्लेम मत करिए सर, लर्निंग करिए सर, एजुकेशन लीजिए। 168 घंटे काम पे जाइए रोज 8 घंटे सर, 56 घंटे वर्क करिए ना सर, काम पे जाइए 8 घंटे, कौन मना कर रहा है। अच्छा 7 घंटे 7 दिनों में रोज 1 घंटा जिम करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, इस मशीन को ठीक करिए, इस पे काम करिए रोज 1 घंटा सर, 56 घंटे नींद लीजिए सर 7 दिनों में, फिर भी कितने घंटे बच रहे हैं सर, 49 घंटे बचते हैं सर। तो जो वेस्टिंग टाइम है ना उसको आप काम में लगा दीजिए सर। टीवी अखबार इधर उधर की बातें चुगली सारी चीजों को साइड में रख दीजिए। कामयाब आदमी बहाने नहीं बनाता और बहानेबाज आदमी कामयाबी पे नहीं जाता सर। अपनी प्रोडक्टिविटी को चेक करिए, ये आपको टॉप लेवल पे लेके जाएगी। कभी हार मत मानिए सर। अगर आपको लगता है ना आपको ज्यादा चैलेंज है तो इसको देखिए सर। सर क्या नाम है सर? अरुणिमा सिन्हा सर। अरुणिमा सिन्हा एक ट्रेन पे से गिर गए नीचे सर, पैर कट गए सर, पूरी रात पटरियों पे पड़ी रही, चूहे उसकी टांगों को खाते रहे, बेहोश हो गई, होश आया था पता चला हॉस्पिटल में थी, और जोर से चिल्लाई मेरे को परमात्मा ने बचाया है तो कुछ बड़ा करवाना चाहता है। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ? कि शायद परमात्मा चाहता है, मेरा 7 साल में ड्रीम था कि मैं एवरेस्ट की चढ़ाई करूंगी, परमात्मा ने मुझे इसीलिए जिंदगी दी है कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ूंगी। डॉक्टर ने कहा पागल तू चल ही नहीं पा रही है, पहले तू बचने का तो सोच। उसने कहा अगर मुझे परमात्मा ने जिंदा रखा है तो जरूर मुझमें कुछ पावर दी है, मैं एक दिन एवरेस्ट को चढ़ूंगी। सारे डॉक्टर बोलते थे नहीं चढ़ पाएगी, और कहते हैं कमिटमेंट जोश जुनून और पागलपन किसी भी ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको मोटिवेट करता है। और सर सबसे ज्यादा मोटिवेशन की कोई स्टोरी है ना गूगल पे, वो अरुणिमा सिन्हा की है सर, जरूर चेक करना आप। इसने एवरेस्ट को फतेह किया, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। दूसरा नाम इसको चेक करिए सर, तीर्थ यात्रियों को पकौड़े बेचने वाला बंदा सर। पकौड़े बेच रहा था, किसी ने पूछा हाथ में क्या है, तो इसने कहा जी पकोड़े है, तो किसी ने मजाक में बोल दिया पकोड़े बेचने वाले के हाथ में पकोड़े ही होंगे और क्या होगा। बात दिल पे लग गई सर, और बात जब दिल पे लगती है तो सर दुनिया बदलती है सर। इसने कहा मेरे हाथ में दुनिया होगी, और अपने बच्चों को एक टारगेट और एक गोल देके गया, कर लो दुनिया मुट्ठी में सर। सर धीरूभाई अंबानी से किसी ने पूछा 65,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया कैसे लग रहा है, धीरूभाई अंबानी ने कहा पैसा बड़ी बात नहीं है, मैंने मेरे बच्चों को ये ड्रीम दिया है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में सर। एक किताब, एक विचार, एक दोस्त और आपका व्यवहार आपका जीवन बदल सकता है। एक पकौड़े बेचने वाले को आज एशिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया सर। और चेक करिए सर ये लड़का सर, नाम है अक्षय कुमार सर, कोलकाता की गलियों में डुप्लीकेट ऑर्नामेंट बेचता था, दुबई चला गया, वहां जाके वेटर का काम किया, और आज हिंदुस्तान की फिल्म उद्योग की सबसे कामयाब शख्सियत है सर। इसको चेक करिए, शुरुआत में लोगों ने कहा था इसकी आवाज खराब है, इसकी आवाज नहीं चलेगी फिल्म इंडस्ट्री में, आज आवाज के दम पे बादशाह है सर। इसको चेक करिए, जेक मा चाइना का एक बिजनेसमैन है, 5 दोस्तों के साथ KFC में वेटर बनने गया था, 4 लोगों को वेटर पे रख लिया, इसको निकाल दिया कि तेरी शक्ल ठीक नहीं है। उसी दुकान से बाहर निकल के एक पेज उठाया और कोयले से पेज पे लिखा मैं वेटर तो नहीं बन सकता पर एक दिन इस होटल का मालिक जरूर बनूंगा। आज चाइना का सबसे रिचेस्ट व्यक्ति है सर। एक लड़का बचपन में जिसकी आंखों में पानी गिरता था, कानों में पानी आता था, बिल्कुल दुबला पतला, उसका बाप चिंता करता था कि इसका जीवन कैसे चलेगा, ये रोजी रोटी कैसे कमाएगा, और एक व्यक्ति ने उसी कमजोरी को अपनी ताकत में कन्वर्ट किया। और एक व्यक्ति जिसके पापा ये सोचते थे कि ये बच्चा जीवन में कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा, कैसे अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी का जुगाड़ करेगा, वो एक महान शख्सियत बनी, आज लाखों लोगों की प्रेरणा का कारण बने, मिस्टर TC छाबड़ा। ताली जोरदार वाली बजा लीजिए। कुछ भी किया जा सकता है सर, हार मत मानिए सर। जीतने वाले रुकते नहीं है और रुकने वाले जीतते नहीं है सर। विनर नेवर क्विट और क्विटर नेवर विन सर, ये जीतने की कहानी है सर।
मानव जीवन का काम है सर, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए सर। 90% लोग इसीलिए कामयाब नहीं होते, कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते हैं सर। लास्ट फार्मूला है सर, ध्यान से सुनना, कंफर्ट जोन, जिस जगह पैदा हुए हो वो रोजी रोटी देगी सर। कंफर्ट जोन के बाहर जो जोन होता है ना रजत भाई, वो फियर जोन होता है, डर का जोन होता है। आम आदमी डरता है नया काम करने से, है ना, जानकारी का अभाव होता है इसीलिए डरता है, बहाना बनाने की आदत होती है इसीलिए डरता है, दूसरे लोगों के अनुभव से सोचना सोचता है इसीलिए काम नहीं करता। फियर जोन से लोग कंफर्ट जोन में आते हैं, बाहर नहीं निकलते। फियर जोन आता है सर कंफर्ट जोन के बाद, और उसके बाद तीसरा जो जोन आता है उसे कहते हैं लर्निंग जोन सर। साइकिल जब तक नहीं चलानी आती डर लगता है, जिस दिन सीख लिया उस दिन हाथ छोड़ के भी चलेगी सर, है ना। जानकारी लेना, लर्निंग जोन में जानकारी को बढ़ा दो सर, समस्याओं को खुद से फेस करो, किसी पे डिपेंड मत रहो, अपनी स्किल को बढ़ाओ सर, ट्रेनिंग को बढ़ाओ, लेना और देना शुरू कर दो। साइकिल जब तक नहीं चलती है डर लगता है, चलने के बाद हाथ छोड़ के चलती है सर। पैसा कमाना भी एक आदत है सर, पैसा नहीं कमाना भी एक आदत है सर, गरीब रहना भी एक आदत है सर, और अमीर बनना भी एक आदत है सर। लर्निंग जोन में आ जाओ, फियर जोन गायब हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट जोन आता है भाई, उस जोन को क्या बोलते हैं सर, ग्रोथ जोन सर। ग्रोथ जोन में क्या होता है, आपका ग्रोथ होता है सर, आपको नए काम करने के पर्पज मिलते हैं सर, आप अपने ड्रीम को बड़ा कर देते हो सर, आप खुद डीलिंग करने लग जाते हो पब्लिक और प्रॉब्लम के साथ सर, आपका गोल बड़ा हो जाता है सर। बड़ी कामयाबी पे कौन जाएगा पता है रजत भाई, जो ग्रोथ जोन को कंफर्ट जोन बना लेगा सर। ग्रोथ जोन कोई अपना कंफर्ट जोन बना लो सर। घर से बाहर रहना लोगों को मुश्किल लगता है, आपको आनंद आना चाहिए सर। हेलो, लोगों से बात करना लोगों को डर लगता है, आपको मजा आना शुरू हो जाना चाहिए सर। कंफर्ट जोन ही बड़ी कामयाबी पे लेके जाएगा सर। ग्रोथ जोन को कंफर्ट जोन बना लो सर, पैसा प्यार नाम दाम दौलत सब मिलेगा सर। इसकी फोटो खींच लो सर, अपने आप को चेक करिए मैं कौन से जोन में हूं। बहुत सारे लोग अभी कंफर्ट जोन में है, बहुत सारे लोग फियर जोन में है, बहुत सारे लोग लर्निंग जोन में है, लेकिन ग्रोथ जोन में जो आ जाते हैं परमात्मा उन्हें इतना देता है, दामन छोटा रह जाता है सर। और इसको ध्यान से पढ़ना भाई, जिंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार, पर कसम खा लो कि आम आदमी नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है, आम बहुत सारे लोगों ने खाया होगा सर, कैसे खाते हो रजत भाई, चूस के सर, चूस के चीर के फाड़ के। भाई आम आदमी मत बनना भाई, आम आदमी बन गए तो ये दुनिया चीर के फाड़ के मरोड़ के खाएगी भाई। 5 साल घोड़े का जीवन है और 50 साल गधे का जीवन है सर। अगर जिंदगी मौका दे तो 5 साल घोड़े का जीवन अपनाइए, लेकिन 5 सालों में जितनी मेहनत गधा करता है 50 साल में 5 सालों में कर डालिए सर। 5 सालों में पूरी ऊर्जा पूरी क्षमता पूरी ताकत केवल एक चीज को फोकस कर दीजिए, रॉयल्टी, केवल एक चीज को फोकस कर दीजिए कामयाबी, केवल एक चीज को फोकस कर दीजिए 23वीं एनिवर्सरी, केवल एक चीज को फोकस कर दीजिए दिल्ली का स्टेज, केवल एक चीज को फोकस कर दीजिए, हर हाल में हर काल में हर माहौल में मेरे को स्टेज पे जाना है, ताली बजानी नहीं बजवाना है। और ये बड़ा स्टेज आपका इंतजार कर रहा है सर, मौका आपके पास में है, अवसर आपके पास में है, पूरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है सर। जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है दोनों हाथ खोलिए सर, ऐसे खोलिए और जोर से बोलिए, मैं आज ये वादा करता हूं कि इस दुनिया में जितनी कामयाबियां हैं जितनी लग्जरी लाइफस्टाइल है वो एक दिन मैं हासिल करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको अचीव करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस लेवल पे जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए इन 2000 रॉयल्टियों में मेरी टीम की सबसे ज्यादा रॉयल्टियों पे लोगों को मैं लेके जाऊंगा।